बीच खबर बड़ी दीद से मिल रही है, जहां पर हादसे में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। सड़क हादसे में मरने वाले के परिजनों को यह सहायता राशि की घोषणा की गई है। मंत्री सुरेंद्र पटवा ने मुआवजे का ऐलान किया है। आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हुई थी। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब राहत राशि की घोषणा की है। मंत्री सुरेंद्र पटवा ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजा दिया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोग इस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे और धान रोपने के लिए लोग जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रॉली में सवार इनमें से 5 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब राहत राशि का ऐलान किया है। मंत्री सुरेंद्र पटवा ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। ये हादसा हुआ था जब ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। तो सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राहत राशि का ऐलान मंत्री सुरेंद्र पटवा ने किया है। बता दें कि आज ये हादसा हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मंत्री सुरेंद्र पटवा जी जुड़ गए हैं। पटवा साहब, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जी नमस्कार। जी पटवा जी, किस तरीके, जाहिर तौर पर एक यहां पर दुखद घटना हुई थी, हादसा हुआ था जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, राहत राशि की घोषणा की गई आपके द्वारा? राहत राशि जो शासन की तरफ से है वो घोषणा की गई है जी, 4-4 लाख रुपए की जी। और एक दुखद घटना क्षेत्र में हुई है, जिसमें लगभग 38 लोग घायल हुए हैं और 4 लोग तो मौके पे ही उनका स्वर्गवास हो गया जी, और बाकी एक हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई जी। कहीं ना कहीं ट्रैक्टर में ओवरलोडिंग था और मुझे लगता है कि वाहन चालक और ये जो ट्रैक्टर ट्राली वाले लोग थे, इनकी कहीं लापरवाही रही होगी जी। बट मैं इस घटना के लिए तो दुख ही व्यक्त कर सकता हूँ। शासन की तरफ से जो भी मदद की आवश्यकता होगी, हम लोग घायलों को भी आवश्यकता अनुसार मदद पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र पटवा जी हमसे बातचीत करने के लिए। मंत्री सुरेंद्र पटवा का कहना है कि इस मामले में, इस घटना को लेकर वो बहुत दुखी है, दुख व्यक्त किया उन्होंने। साथ ही साथ इस घटना की जांच की बात की है कि आखिर ये ओवरलोडेड वाहन था ट्रैक्टर ट्रॉली, क्योंकि 40 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे और इसमें 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। धान रोपने के लिए जाना बताया जा रहा है, जब अनियंत्रित होकर ये ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी थी। दुखद घटना है। साथ ही साथ उनका कहना था कि शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी वो जरूर दी जाएगी, घायलों को समुचित इलाज मिल सके। साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से जो राहत राशि का ऐलान किया गया, यानी 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।